अब बनी है खटाई, यहाँ निकाल रही है। तो देखें हम अभी कंडे में कितने भरे हैं। चिड़िया ने खा लिया ना ये वाला, चिड़िया ने खा लिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ संगीता पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल संगीत के वीडियोस एंड ब्लॉग्स। केला रोटी बना रखी थी तो चाय के साथ मम्मी की बनाई रोटी खाएंगी। मम्मी भी बैठी है, भाभी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम संतरे निकालेंगे। हमारे काजू बादाम भी रखे हैं डब्बे में, चाय के साथ कह रही काजू बादाम भी खाओ तो हम इसके मजे लेंगे। अब हमारा किचन है, भाभी बना रही है चाय। अमेजिंग चीज दोस्तों, देखिए मेरी माँ ने क्या व्यवस्था कर रखी है चूल्हे की। यहाँ पे अंगीठी जला रखी है और अंगीठी के लिए ये टिन कितने अच्छे ढंग से लगा रखे है ना, इसे बांध के इन पे कैसे छेद किए होंगे पता नहीं। इसके बगल में मौसमी के पेड़ हैं, साथ में नारंगी का पेड़ है और अमरूद भी बहुत सारे हैं यहाँ, और इधर लीची भी है और इधर से केले बहुत सारे हैं। तो ज़्यादा हमको मम्मी ने इसीलिए बुलाया है कि केले हैं, कह के केले काटने हैं हमने। तो यहाँ जो जंगली मुर्गे मुर्गियाँ होती है ना वो इनको खा रही हैं, कह के केले भी। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये केले का पत्ता झूम रहा है, इसके पीछे भगवान केदारनाथ के पीक जो है दिखती है यहाँ से। तो सुबह सुबह हिमालय दर्शन भी हो जाते हैं। ये है सुमेरु पर्वत और ठीक इसके नीचे है केदारनाथ का मंदिर। तो अब मैंने निकाली है दरांती, अब चलो केला काटने जाएंगे। बुआ का केला काटने जा रही है। अब देखो ये वाला केला काटेंगे हम, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी, है ना आदि। तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े बचाऊंगी, तो कपड़े के लिए मैं शॉल लगाऊंगी। क्यों डालने झाड़ियों के अंदर गिर गया है, अब वहां से निकालने की जुगत लगानी पड़ेगी। दिखा ले गई अब गाड़ी में, अब काट लेना। हाँ यहाँ से जाऊंगी, कहाँ है कहाँ है, इधर है। तो पहले लकड़ियाँ लकड़ी पड़ेंगी। चलो जी, पहले घास की भी सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके केले मिलेंगे, है ना आदि। बहुत दूर है यार। तो यहाँ है ये केले, अब देखते हैं जुगत लगानी पड़ेगी पहले। भारी भी तो बहुत है। अरे घोंगे सन कन, अब देखो ये है केले और इनको थाम के काटना पड़ेगा। ये और इनको काटने के साथ साथ कपड़े बचाने पड़ते हैं, क्योंकि जो केले का रस होता है ना वो कपड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इधर आती है तो फाइनली केले निकल गए। फाइनली केले निकल गए दोस्तों, अब देखिए कौन थामेगा इसको। तो केले निकल गए, हम उनको रख रहे हैं। अरे केले के पत्ते ना घास के काम आते हैं। बुआ ने घास भी निकाल दिए हैं गाय के लिए।
केले के पत्ते कम धमाई तो यह रहे केले। टमाटर निकालूंगी। ताई निकाल रही है, निकल गया एक के साथ दो फ्री मिला। खूब सारे माल्टे लग रखे हैं यहाँ, खूब सारे माल्टे लग रखे हैं, बहुत ज्यादा ये अच्छे पेड़ हो रखे हैं माल्टे के। अगर आपको माल्टे खाने हैं तो हमारे गांव आइए, आपका स्वागत है। बड़े बड़े माल्टे, बड़े बड़े माल्टे। लंबे चिड़िया भी खा, इसको बोलते हैं घुंघिया सा। तो हम घुंघिया से पहले हम हाथ से निकाल रहे थे, अब घुंघिया से निकालेंगे। ये अमरूद और माल्टे निकालने के लिए सबसे अच्छी चीज है। ये है पहाड़ी औजार घुंघिया सा, ऐसे वहां निकाल दिए। भतीजा खड़ा है, भाभी भी लगे हैं निकालने पे। माल्टे बहुत सारे हैं और दूर है माल्टे, इतने माल्टे तो कलेक्ट हो गए। यूट्यूब की हैक देख के मैंने भी एक बनाया था, बोतल काट के ना ये ऐसे, तो सचमुच इसमें से निकल रहे हैं भाई। ये है हमारे पेड़ की नारंगी और एक बहुत मीठी है। यहाँ से भैया निकाल रहे हैं, मैं एक कंडा ऊंधा नहीं माल्टा ने तब से यद तक नहीं गिरदा। और इसके बाद हम जाएंगे सिल्ली, सिल्ली जूस निकालने। देख कितने बड़ा चंद्रा घारी, इतना बड़ा माल्टा तूने अकेले खाना रो, अकेले खाएगी यार। बनी है खटाई, ले बस ठीक। चाची ने बनाई खटाई, चाची दे बताओ। चाची बोली मुझे मत दिखा। ये रही खटाई, ये रही खटाई। गोरा माता के भाई ये गोरा माता कट रही है, कट रही है। एक कंडी, ये है हमारा प्राइमरी स्कूल और उसके ठीक इस पीक पे है ठांड धरसाल, और जो सामने वाली दूसरी पीक दिख रही है वो औरिंग गांव है, और औरिंग के नीचे है सुरसाल। और अब थोड़ी देर में धूप भी जाने वाली है, तब थोड़ा ठंडा बढ़ जाएगा, अदरवाइज यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना है। यहाँ पीछे देखिए, पहले यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक खेत ही खेत थे, और हमने कभी बहुत काम किया इन खेतों में, लेकिन अब घरों में कोई नहीं रहता तो सारे खेत बंजर हो चुके हैं और खेतों में बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। पहले हमारे यहाँ जो ये चीड़ का पेड़ है सामने, बिल्कुल भी चीड़ नहीं होती थी, और अब तो काफ़ी चीड़ के पेड़ भी दिखने के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए अलावा यहाँ उतीस बहुत ज़्यादा हो रखा है, कहते हैं कि जहाँ ज़मीन में ज़्यादा पानी होता है वहाँ उतीस ज़्यादा होता है। मैं और आदि अब चाय पियेंगे और लेते हैं, अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाय।